रेडमी नोट 5 प्रो के लिए हैवोक ओएस का ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 का फर्स्ट अपडेट आ गया है, जो कि वर्ज़न है हैवोक ओएस का 4.1। और इसमें आपको कौन कौन से फीचर अभी ऐड हुए उन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और साथ साथ यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी बैकअप कैसी है, उन सभी के बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे अभी कौन कौन से लेटेस्ट फीचर हैं जो कि अभी आपको देखने को मिलेंगे, और साथ साथ यहाँ पे बग आपको कौन कौन सा मिलता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और इंस्टॉलेशन तो ज़रूर आपको मिलेगा, और डाउनलोड कैसे करना है क्योंकि इसके दो बिल्ड आते हैं, वनीला और जीएप्स, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको समझा दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट फ़ोन की, तो एंड्रॉयड वर्जन 11 मिल जाता है और हैवोक वर्जन जो कि 4.1 है, और सिक्योरिटी पैच 5 जनवरी 2021 की मिल जाती है। कर्नल आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड का कर्नल देखने को मिल जाता है, और अगर हम यहाँ पे बात करें सेलिनक्स स्टेटस की तो वो आपका इन्फोर्सिंग है, तो सिक्योरिटी आपकी यहाँ पे तगड़ी है। एंड यहाँ पे बिल्ड नंबर आपका जो कि 2 फरवरी 2021 का है, और हमारा स्टेटस बार की बात करें तो यहाँ पे आपको टॉगल्स जो है काफ़ी सारे मिल जाते हैं, और साथ साथ फर्स्ट बिल्ड में ही आपको यहाँ पे FPS इन्फो भी मिल जाता है, एंड किल ऐप मिल जाता है, गेमिंग मोड मिल जाता है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डायरेक्ट साउंड भी दिया गया है, और 3 डॉट पे हमें रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम FPS इन्फो की बात करें तो ये जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है, और साथ साथ यहाँ पे टॉगल्स पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको वाइब्रेट भी होता है, ये जो है डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लैग हमें देखने को मिलता है नहीं मिलता, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे आपको लैग ना के बराबर देखने को मिलेगा, हालांकि अगर आप गेम रिकॉर्ड करते हो तो आपको लैग ज़रूर देखने को मिलेगा गेम के टाइम पे। एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं वॉल्यूम पैनल की तरफ, तो वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। एंड पावर मेन्यू आपको मिल जाता है, डिवाइस कंट्रोल, इमरजेंसी, पावर ऑफ और रिस्टार्ट पे आपको एडवांस रिस्टार्ट भी मिल जाता है, हालांकि आपको इसको सेटिंग से इनेबल करना पड़ेगा तभी ये मिलता है। एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं अपने ऐप ओपनिंग की तरफ, तो ये तो बिल्कुल आपका स्मूथ ही मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ मिल जाता है। रीसेंट आपका जो है अभी फिलहाल इस तरीके से मिलता है, आपको नीचे सिर्फ स्क्रीनशॉट ऑप्शन है जिसमें आपको डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाता है, और साइड में आपका क्लियर वॉल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसकी लॉन्चर की तरफ, तो होम स्क्रीन लॉन्चर आपका ये सिंपल सा आपको मिलने वाला है, क्विक स्टेप का लॉन्चर है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ, तो प्ले स्टोर हमारा यहाँ पे बिल्कुल सर्टिफाइड है, तो आप फर्स्ट बिल्ड में आपको बिल्कुल सर्टिफाइड यहाँ पे मिल जाता है, तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, विदाउट रूट आप बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाएंगे, सेफ्टी नेट पास मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपका FM जो दिया गया है बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैमरे की, तो MIUI का कैमरा आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मिलता है, जिसमें आपका पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा है, और वीडियो क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो वीडियो क्वालिटी हमें यहाँ पे मिल जाती है 4K 30 FPS तक की। और अगर आप यहाँ पे कैमरा यूज़ करना चाहते हो तो TR कैमरा आपका अच्छे तरीके से काम करेगा, बाकी रोम्स की तरह यहाँ पे भी 7.4 वाला इंस्टॉल नहीं होता है, रूट करोगे अगर आप तभी आप यूज़ कर पाओगे, बाकी ऐसे आपको TR कैमरा ही आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, या फिर आप काफ़ी सारे सर्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन आप देखोगे तो ज़्यादा एप्लीकेशन उसे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये वनीला वाला है, जी एप्स वाला अगर आप फ्लश करोगे तो उसमें गूगल के एप्लीकेशन काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, तो यही सारे एप्लीकेशन जो कि हमें यहाँ पे मिलते हैं। और अगर हम बात करें कॉलिंग की, तो कॉलिंग में हमारा वॉल्टी काम कर रहा है यहाँ पे, और वीडियो कॉलिंग का बग है वो अभी काम नहीं करता, ब्लूटूथ ऑडियो आपका यहाँ पे फिक्स है, बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे आपका कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि निक जी ऐप जो कि बेसिक वाला था उसमें अभी फिलहाल फ़ोन डायलर गूगल वाला दे दिया है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टू बेंचमार्क स्कोर की, तो 1,52,194 हमें स्कोर मिलता है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर भी मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेटिंग्स की, तो यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट के अंदर चलते हैं, तो वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट आपका यहाँ पे सेम टाइम पे वर्किंग है। कनेक्टेड डिवाइस के अंदर हमारा जो कास्ट देखने को मिलता है, तो कास्ट में आपको बग देखने को मिलेगा, ये हमारा काम नहीं कर रहा है। एंड कॉन्फ़िगरेशन सेंटर के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाती है, जिसके अंदर स्टेटस बार में आपको क्लॉक की सेटिंग्स मिलती है, तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये सारी सेटिंग्स है। और यहाँ पे लोगो की भी सेटिंग मिल जाती है, जिसमें आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, और काफ़ी सारे लोगो स्टाइल भी आपको मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं ब्राइटनेस कंट्रोल आपको मिल जाता है, स्टेटस बार, डबल टैप टू स्लीप मिल जाता है, नेटवर्क जो कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्पीड शो करता है ये भी आपका काम कर रहा है, कैरियर लेवल भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, कस्टम टेक्स्ट। एंड यहाँ पे बैटरी स्टाइल मिल जाता है, बैटरी परसेंटेज मिल जाता है, बैटरी बार मिल जाता है, और यहाँ पे आपको नीचे स्टेटस बार आइकन देखने को मिल जाता है, हालांकि वोल्टी आइकन अभी शो नहीं करता, और स्मॉल मोबाइल टाइप आइकन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन काउंट भी मिल जाता है। क्विक सेटिंग्स की बात करें, तो क्विक पुल डाउन मिल जाता है, स्मार्ट पुल डाउन मिल जाता है,
और बैटरी एस्टिमेट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको कॉलम एंड रो सेटिंग्स मिल जाती है, और टाइल टाइटल जो कि यहाँ पे मिल जाता है, एंड सेटिंग्स आइकन आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, रनिंग सर्विस आइकन हो गया, एंड यूज स्विचर आइकन हो गया, यूज़र स्विचर आइकन हो गया, एंड यहाँ पे आपका एडिट आइकन भी मिल जाता है। और लॉक स्क्रीन के अंदर आपका डबल टैप टू स्लीप है, क्विक सेटिंग्स है, एंड चार्जिंग इन्फो आपको मिल जाता है। और अम्बिन डिस्प्ले के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो बैटरी लेवल मिलता है, और हमारा यहाँ पे ऑलवेज ऑन जो कि ये बिल्कुल इस तरीके से काम करे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो ये जो है बिल्कुल इस तरीके से काम करे। तो अम्बिन डिस्प्ले वाला यहाँ पे फीचर आपका काम करता है, उसकी जेस्चर जो कि डबल टैप मिल जाता है, नीचे आपको अम्बिन डिस्प्ले की यहाँ पे ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड अगर हम चलते हैं जेस्चर के अंदर तो क्विकली ओपन कैमरा मिल जाता है, सिस्टम नेविगेशन के अंदर हमारा यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन मिल जाता है, उसकी यहाँ पे ये सेंसिटिविटी सेटिंग्स मिल जाती है, और नीचे आपको एडवांस जो कि आपको सेटिंग्स भी एडिशनल सेटिंग्स मिल जाती है। एंड अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं तो 2 बटन और 3 बटन नेविगेशन हमारा बिल्कुल इस तरीके से काम करता है, तो एक बार इनेबल करके मैं आपको दिखा देता हूँ 3 बटन नेविगेशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है आपका बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, जो है बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। बाहर हमारा रिंगिंग मिल जाता है, एंड पावर मेन्यू जिसके अंदर आपको यहाँ पे एडवांस रिबूट का ऑप्शन मिलता है जो कि आप इनेबल कर लेना, एंड क्विक जो कि क्विक टॉर्च मिल जाता है, स्किप म्यूजिक ट्रैक, एंड यहाँ पे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिल जाता है। और यहाँ पे हम बैक करते हुए चलते हैं नोटिफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पे आपको एज लाइटिंग मिल जाता है, और जैसा कि आप देख सकते हो ये सारी सेटिंग्स है जो कि बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। एंड हेडसअप मिल जाता है, किल ऐप बटन मिल जाता है, नॉइसी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अब हम यहाँ पे चलते हैं बैटरी सेविंग के अंदर, यहाँ पे सस्पेंडेड एक्शन मिल जाता है, ब्लॉक सेंसर मिल जाता है, एग्रेसिव बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा। मीडिया के अंदर आपको यहाँ पे रिंगटोन फोर्स मोड मिल जाता है, और एडिप्टिव प्लेबैक, म्यूजिक विजुलाइजर, म्यूजिक आर्टवर्क ब्लर लेवल, ये ऑप्शन ऑप्शन मिलेंगे। इन मिसलेनियस के अंदर गेमिंग मोड मिल जाता है, बैक डिवाइस एंड चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है जो कि वर्किंग है। अबाउट नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, और अगर हम यहाँ पे चलते हैं ऐप एंड नोटिफिकेशन के अंदर तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप आप देख सकते हो, एंड होम ऐप जो कि क्विक स्टेप मिल जाता है। और यहाँ पे हम चलते हैं बैटरी के अंदर तो बैटरी सेवर मिल जाता है, और अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं तो एडिप्टिव बैटरी मिल जाता है, और यहाँ पे हमारा स्मार्ट चार्जिंग मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 65% बैटरी हमें यहाँ पे मिली है, तो बैटरी बैकअप के मामले में आपको अच्छी बैटरी बैकअप यहाँ पे मिलने वाली है। और मैं यहाँ पे हाई ब्राइटनेस पे यूज़ किया हूँ, तो नॉर्मल यूज़ करने पे और भी ज़्यादा बेटर ही मिलेगी। एंड अगर हम यहाँ पे चलते हैं डिस्प्ले के अंदर तो यहाँ पे डार्क थीम हमारा काम कर रहा है, नाइट लाइट जो है काम कर रहा है, ऑटो ब्राइटनेस भी वर्किंग है, स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर आपको एक स्टाइल मिल जाता है और ग्रिड मिल जाता है, एंड यहाँ पे क्लॉक का भी ऑप्शन दिया गया जिसमें आपको कुछ क्लॉक भी मिल जाती है। वॉलपेपर में जैसे जाते हो तो इस तरीके से आपको कीप स्टॉपिंग का ऑप्शन आता है, हालांकि ये स्टॉप नहीं होता, काम करता है फिर भी। और ये लाइव वॉलपेपर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ये दो, और ये वाला हमारा डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है जो कि यहाँ पे इस रोम में मिलता है। हालांकि आप वॉलपेपर अलग से आप सेट करना चाहते हो तो उस पर भी स्टॉप वाला प्रॉब्लम आता है, लेकिन स्टॉप नहीं होता, वॉलपेपर भी आराम से सेट हो जाता है, लेकिन ये एक पॉपअप आता है। और यहाँ पे लाइव डिस्प्ले आपका काम कर रहा है, ऑटो रोटेशन काम कर रहा है, और यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो, तो ये भी जो है वर्किंग आपका मिल जाता है जो कि ऑलवेज ऑन ही है, ये आपका काम करता है यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से, तो इसमें दिक्कत नहीं है। बैक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड डबल टैप टू बैक हमारा काम कर रहा है, नीचे आपको बैकअप भी मिल जाता है। और अगर हम चलते हैं यहाँ पे साउंड के अंदर तो साउंड के अंदर आपका यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मिल जाता है, मीडिया मिल जाता है, एंड यहाँ पे रिंगटोन डिफॉल्ट अलार्म हो गया, एंड वॉल्यूम स्टेप भी आपको यहीं पे मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम स्टेप भी आपको मिल जाता है, अदर साउंड एंड वाइब्रेशन मिलता है, एंड नीचे हमें मिल जाता है MI साउंड एनहांसर, हालांकि ये जो है काम नहीं कर रहा, अभी फुल्ली डेड है, बग है एक तरीके से। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं सिक्योरिटी के अंदर तो सिक्योरिटी के अंदर आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलुक दोनों ही मिल जाता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, और पैटर्न साइज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ फिंगरप्रिंट जो है किस तरीके से काम कर रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल लॉक करते ही टैप करो अनलॉक हो जा रहा है, और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिलता था, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी आपको सिक्योरिटी में, फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और साथ साथ फेस अनलॉक भी हमारा। एंड सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपका स्क्रीन टाइम आउट मिल जाता है, बाकी शो पैटर्न एरर ये सारे ऑप्शंस मिलते ही हैं। एंड अगर हम चलते हैं यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग की तरफ तो इसका सपोर्ट भी हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो डिजिटल वेलबिंग जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे चलते हैं सिस्टम के अंदर तो सिस्टम में फिलहाल बिल्कुल खाली है, यहाँ पे मल्टीपल यूज़र मिल जाता है, बाकी और सेटिंग्स नॉर्मली है। अब बात करते हैं इसके डाउनलोड की, तो सिंपली आप इसकी वेबसाइट पे आओगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो दिया गया है इस तरीके से जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ रोम का नेम, और ये सेकंड वाले पे आप देखोगे तो यहाँ पे GApps लिखा है, तो ये हमारा GApps वाला है जिसके अंदर GApps इंक्लूडेड है, और वो फर्स्ट वाला जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ था वो है हमारा वनीला वाला, तो आप डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे किस तरीके से इंस्टॉल करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वनीला वाला डाउनलोड किया हूँ,
जैसे कि आप देख सकते हो 700 प्लस MB का है और निक GF रख लिया हूँ बेसिक वाला। उसके बाद आपको चलना है अपनी रिकवरी के अंदर, तो आप अपने हिसाब से रोम डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद रिकवरी पे आने के बाद सिंपली वाइप पे जाना और यहाँ पे डॉल्विक कैश सिस्टम विंडर डेटा इन पांचों को आपको सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ पे स्वाइप टू वाइप आपको कर देना है। और आप यहाँ पे जब कर दो ये कंप्लीट हो जाए तो सिंपली आपको चलना अपने फाइल के अंदर। तो हम चलते हैं यहाँ पे फाइल के अंदर और यहाँ पे हमारा जो है डाउनलोड के अंदर है, तो हम यहाँ से जो है रोम को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ पे स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना। इस तरीके से थोड़ी देर बाद आपका रोम यहाँ पे फ्लश हो जाएगा, तो यहाँ पे वाइप कैश कर देना है। और अगर आप GFS वाला कर रहे हो जो कि 1GB प्लस का है, तो उसमें आपको GFS अलग से फ्लश करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप रिबूट कर लेना। और हम यहाँ पे जो है 700 प्लस MB वाला कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अलग से GFS फ्लश करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे GFS भी फ्लश कर लेते हैं। और इसके फ्लश होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको सेम बिल्कुल वाइप कैच करना है। एंड इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे रिबूट कर लेना है और कुछ यहाँ पे नहीं करना, बस थोड़ा सा वेट करना है। आपका फ़ोन यहाँ पे 5 मिनट के अंदर अंदर ही जो है ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये बूट एनिमेशन मिलता है हैवोक का, एंड्रॉयड 11 का आप देख सकते हैं। और लास्ट बूट एनिमेशन जो कि एंड बिल्कुल कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको बिल्कुल कंप्लीट यहाँ तक मैं आपको दिखा दिया, आगे आपको गेम प्ले भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे कि वनीला वाला है, तो यहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशन आपको नहीं मिलते, तो डिफॉल्ट एप्लीकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप GFS इंक्लूडेड वाला फ्लश करोगे तो उसमें गूगल के एप्लीकेशन काफ़ी सारे मिल जाते हैं, और फोन डायलर गूगल का ही रहता है, गूगल पिक्सल लॉन्चर भी मिलता है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे एप्लीकेशन मिलते हैं और GFS वाले में आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो बस यही है। और अब बात करते हैं यहाँ पे हम गेम के बारे में। तो गेम के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी सेटिंग। सबसे पहले ग्राफिक की, तो ग्राफिक आपको स्मूथ पे हाई मिलेगा, बैलेंस पे हाई और HD पे भी हमें हाई तक ही मिल जाता है। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाले हैं। और अगर आपको अनलॉक करना है 90 FPS, तो उसकी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो आप देख लेना एंड अनलॉक कर लेना। बाकी अगर आपको कर्नल फ्लश करना है तो कर्नल की भी जो है आपको वीडियो पूरी प्लेलिस्ट ही आपको मिल जाएगी आई बटन पे ही, तो आप जो है आराम से देख लेना कौन सा आपको फ्लश करना अपने हिसाब से। बाकी अगर आपको जो भी पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करें पबजी परफॉर्मेंस की, तो फर्स्ट बिल्ड के हिसाब से ठीक ठाक आपको यहाँ पे पबजी परफॉर्मेंस मिल जाता है। अच्छा या मस्त तो नहीं बोल सकते अभी फिलहाल, क्योंकि अभी आपको लैगिंग भी देखने को मिलती है। क्लोज इन फाइट में आपको काफ़ी ज़्यादा लैगिंग देखने को मिलती है उतनी, और ऐसे नॉर्मली आपका जो है चलता ही है। और ऐसे अगर आप खेलोगे तो आपको खुद ही यहाँ पे फील होगा। अगर आप कर्नल फ्लश कर लेते हो तो उसमें फिर तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे अगर विदाउट कर्नल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है आपको अभी फिलहाल लैगिंग देखने को जरूर मिलती है। हालांकि रोम जो है काफ़ी स्मूथ है, यहाँ पे रोम में ऐसी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है। जो नॉर्मल सभी रोम्स में अभी बग देखने को मिल रहा है वो आपको मिलता है यहाँ पे भी। कास्ट आपका काम नहीं करता, वीडियो कॉलिंग जो है वो काम नहीं करती, मेन जो कि आपके ये बग मिलते हैं जो कि अभी फिलहाल ये काम नहीं कर रहे किसी भी एंड्रॉयड 11 के रोम में नोट 5 प्रो के। और बाकी यहाँ पे ब्लूटूथ ऑडियो जो है काम कर अच्छी तरीके से। तो यही सारी चीज़ थी जो कि इस वीडियो में मुझे आप सभी को बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से जो है यहाँ पे हौसला भी बढ़ता है और मन करता है कि आगे और भी ज़्यादा मेहनत करें और भी ज़्यादा इम्प्रूव करें। और मैं हमेशा इम्प्रूव करता हूँ, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए इसी तरीके से आप भी सपोर्ट बनाए रखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर जो भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में भी। एंड हमारे टेलीग्राम का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल ही जाएगा। शाम में हमारे एडमिन जो है वहाँ पे वॉइस चैट भी करते हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आप वॉइस चैट करके कोई पूछ सकते हो। वॉइस चैट में तो है थोड़ा सा जो है आसान भी हो जाता है कुछ भी बोलना, टाइप करने में और बात करने में बहुत फ़र्क है। तो जो है आप वहाँ पर आराम से वहाँ पर बात करके पूछ सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।